राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाक वंश के मुख्य मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह कैकेय कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चंचु हुए। चंचु के पुत्र का नाम विजय था। वह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के वृक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वह गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगवंशी औरव मुन से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और हैहय नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक पहलव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि का महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया, यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले हैहय नामक क्षत्रियों ने तालजंगो और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यौवन पारद काम्बोज तथा पहलो नाम के गणों ने भी हैहयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छीन जाने पर राजा बाहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वह भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पद के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भजहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए। और वह ने बालक के जात कर्म आदि का संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने हैहय वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदनंतर उन्होंने शक यवन काम्बोज पारद तथा पहलो गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मुड़ कर विदा कर दिया। यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीत कर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्वमेघ को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हर कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हुए, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल चार ही बचे थे, जिनका नाम है वर्षकेतु सुकेतु धर्मरथ और पंचनद। ये सभी राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाक वंश का अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्ध लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुवर,
सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए, वह अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए। लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की दो रानियां थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थीं, उनका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती, वह अरिष्ट नेम की पुत्री तथा परम धर्म परायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी, दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन दो वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वह समयानुसार सुख पूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर समुद्र तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी ऋतपर्ण की उत्पत्ति हुई, जो धूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तपर्ण हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया है, वह ही कल्पाशपाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र सभी उन्हीं का नाम था। कल्पाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुल्हदू थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश के अतिथ का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथ के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेम धनवा हुए। क्षेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अहिनग, अहिनग से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से वृजनाभ और वृजनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवीरों, पुराण में 2 ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशी वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाक वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाक वंश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। अदित्य नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक, श्राद्ध देव मन की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है।